हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज ट्रिपर। तो फाइनली वो वीडियो आ चुकी है जिसका आप सभी को इंतजार था, बट यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जो जाननी जरूरी है। मैं खुद आपको चॉइस फिल करके दिखाऊंगा भी कि आपको किस तरीके से चॉइस फिल करना, कैसे कैसे मिस्टेक्स अवॉइड करने ओबीसी एससी एसटी वाले, और कैसे परफेक्ट तरीके से अपनी चॉइस फिल को रेडी कर सकते, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और साथ साथ जिसका आपको इंतजार था पीडीएफ भी मिलेगा, किस टाइम पे मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सारी चीजों को डिस्कस करें। तो चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको पूरा चॉइस फिल रेडी करके दिख रहा होगा, यही पीडीएफ आपको प्रोवाइड होगा। तो कैसे आपको देखना है ये चीजों को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो भी ग्रीन कलर से डिनोट किया गया है आपके पीडीएफ में, ग्रीन कलर से जो भी चीजें डिनोट की जाएंगी, वो जो चॉइस होंगी वो नई ऐड की गई है, चाहे नया कॉलेज ऐड किया गया या नया ब्रांच ऐड किया गया। तो आप समझ जाओगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी सुटेबल प्रेफरेंस था, आपको सबसे लास्ट में प्रेफरेंस नंबर भी दिख रहा होगा, तो जो भी सुटेबल प्रेफरेंस था वहां पे हमने उस चॉइस को ऐड किया है। दूसरी बात ये, कुछ आधे ऐसे चॉइसेस थे जो इस साल के अकॉर्डिंग हायर प्रेफरेंस पे रखने चाहिए थे, तो वो भी हमने एडवाइस किया। वो कैसे आपको समझना है, जो भी पिंक कलर से डिनोट किया गया है वो प्रेफरेंसेस हमने हायर ऑर्डर पे रखा है, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर वो लोअर ऑर्डर पे थे, वहां पे हमने दिखाया भी है। ये रिपीट है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रिपीट का ऑप्शन, तो ये रिपीट किया गया है इसलिए क्योंकि हमने इसको हायर ऑर्डर पे रखा है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू अस ये हायर ऑर्डर पे होना चाहिए था। अगर आप चाहते हो कि नहीं उसी ऑर्डर पे रखें, तो वहां पे हमने डिनोट कर दिया येलो कलर से एग्जैक्ट जो था 2019 में वहां पे उसका क्लोजिंग कट ऑफ था। यहाँ पे जो हमने एक रेफरेंस लिया वो जनरल कैंडिडेट अदर स्टेट और ऑल इंडिया का रेफरेंस लेके चॉइस फील्ड रेडी किया है। ये सबसे बेस्ट वे होता है चॉइस फील्ड रेडी करने का। अब यहाँ पे एस सी एस टी जो ओबीसी वाले हैं वो थोड़ा सा प्रिफरेंस देंगे फी स्ट्रक्चर को देखते हुए। जैसे एस सी एस टी और 1 लाख बिलो इनकम वाले का जितने भी एनआईटीज हैं उनमें फी वेवर में वो आते हैं, ठीक है। तो आरओआई के हिसाब से, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको एनआईटी पहले प्रिफरेंस पे रखना चाहिए, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट कर लोगे, एनआईटीज को थोड़ा अपर प्रिफरेंस पे डाल सकते हो, क्योंकि आरओआई के अकॉर्डिंग फीस तो आपको बहुत कम लगने वाला, ना के बराबर, तो आप एनआईटी को ही प्रीफर करोगे, क्योंकि बहुत सारे ट्रिपल आईटीज ऐसे हैं जिनमें आपको हाई फी पे करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आरओआई के हिसाब से वो कॉलेज फिर थोड़ा डाउन चला जाएगा। तो ये भी चीजें आपको इंक्लूड करनी है, जो जिनका भी 1 लाख बिलो इनकम है या फिर जो भी एससी एसटी वाले हैं, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी आपको एडजस्ट करनी है। दूसरी बात ये, जिनको भी जैसे कि कंप्यूटर साइंस या कोई फिक्स ब्रांच चाहिए, वो क्या करेंगे, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रेडी कर लेंगे, जो भी प्रेफरेंस नहीं चाहिए उनको हटा देंगे। यहाँ पे हमने सारे के सारे प्रेफरेंस को कवर किया। वो कैसे, आप देख लो यहाँ पे जो आपको चॉइस नंबर देख रहे हैं, हमने मैच भी किया। हमने मैच किससे किया, सीट मैट्रिक्स से किया। सीट मैट्रिक्स में जो भी आर्किटेक्चर वाले थे या आईआईटीज थे उनको हटा के जो भी चॉइसेस बच रहे थे, तो यहाँ पे देख लो कितने नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, आपको दिख रहा होगा 417 चॉइसेस टोटल मिला के इस साल इंक्लूडेड है, मतलब जोसा के अंदर जो जेई मेन के थ्रू लेंगे, ठीक है। आईआईटीज को अभी इंक्लूड नहीं कर रहे। और यहाँ पे जो आपको चॉइस प्रिफरेंस दिख रहा है, नया पुराना मिला के सारी चीजों को मिला के यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 422 दिख रहा है। तो यहाँ पे एक आध ऐसे कॉलेज होंगे जिससे ब्रांच हटाया गया होगा, तो वो आप खुद समझ जाओगे वहां से ब्रांच हटा दिया। हालांकि हमने बहुत सारे ब्रांचेज को जो हटाए गए हैं पहले से हटा दिया, लेकिन एक आध जो ब्रांच बच गया होगा तो उसको आपको चॉइस फिल करते हुए समझ में आ जाएगा। इन केस कोई ऐसा चॉइस आपको मिलता है जो इस प्रेफरेंस में नहीं मिलेगा आपको, तो प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सअप आप हमें करो, ताकि और भी स्टूडेंट को हम गाइड कर सके। हालांकि अपने अकॉर्डिंग हमने एकदम परफेक्ट वे से तैयार किया है, बहुत मतलब कि कल से हम लगे हुए थे इसी चीज को तैयार करने में, क्योंकि सीट मैट्रिक्स लेट से आया था। अगर पहले आया होता तो हम पहले ही प्रेफरेंस दे देते, और आज हमने डिसाइड किया रात में फिर से एक बार स्टडी करेंगे इस चीज को, फिर से रिसर्च करके कुछ आधा ऊपर नीचे अगर करना होगा तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए यही बेस्ट प्रेफरेंस था। अब क्वेश्चन राइज होता है, ये पीडीएफ हमें मिलेगा कहां से, तो आपको हमारा कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, वहां पे ब्लॉग के सेक्शन में ये पीडीएफ लगा दिया जाएगा, तो वहां से आप जाके पीडीएफ को चेक कर सकते हो, चॉइस फिलिंग को चेक कर सकते हो। और जैसे ही नई चॉइस फिलिंग और रेडी की जाएंगी, जैसे सीएसआईटी इसी को कंबाइन करके भी चॉइस फिलिंग रेडी की जाएंगी, तो बहुत सारे अभी चॉइस फिलिंग आने वाले हैं, तो वहां पे अपलोड मिलेगा आपको। तो डेफिनेटली जाके आप ऐप को डाउनलोड करो। किन्हीं को डिफिकल्टी आ रही है ऐप डाउनलोड करने में या नहीं हो पा रहा है ऐप डाउनलोड, तो हम अपना व्हाट्सअप नंबर दे दे रहे हैं। कोई भी ऐप रिलेटेड इशू आ रहा है तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हो, हम आपके इशू को रिजॉल्व जरूर करेंगे। अब आते हैं कि आपको चॉइस फिल किस तरीके से करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज
बहुत लोग गलती करेंगे, ये पीडीएफ मिलने के बाद भी वो लोग गलती करेंगे ही करेंगे, तो सबसे बेस्ट वे क्या हो सकता है चॉइस फिल करने का, ये अभी हम कवर करने वाले। अब यहां से जो मैं बातें बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनना, बिकॉज अगर आप ये प्रोसेस फॉलो कर लेते हो अच्छे तरीके से तो आपकी चॉइस फिल में कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, एकदम मिनिमाइज हो जाएगा मिस्टेक और आपका जो चॉइस फिल बनेगा वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी पीडीएफ प्रोवाइड हुआ उसमें जो भी आप 19-20 करना चाहते हो कर लोगे, कॉपी पे नोट डाउन कर लो या फिर अगर मोबाइल पे ही आप रहने दो और कुछ जो 19-20 किए हो उसको कॉपी पे आप नोट कर लो, ठीक है। तो जब आपकी चॉइस फिल परफेक्टली रेडी हो जाए तभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट को खोलना है, उससे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट को टच भी नहीं करना है। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट खोल लोगे और जैसे ही जाओगे आपको चॉइस फिल का ऑप्शन जैसे ही मिलेगा तो वहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अपने हाथ में वो पीडीएफ को रखना है, ठीक है, जो भी आपने कॉपी पे नोट डाउन किया या मोबाइल पे है तो पीडीएफ को रखना है। पीडीएफ को रखने के बाद क्या करो, लेट करो कि मैंने पीडीएफ रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे पीडीएफ है, ठीक है, यहाँ पे चॉइस फिल आपको दिख रही है उसी तरीके से आपको मोबाइल पे भी दिखेगी। अब एक एक करके चुन चुन के कॉलेजेस को निकालना और उसके ब्रांच को भरना है, बिकॉज ये सारे जो ऑप्शंस हैं आप यूज कर सकते हो लेकिन अवॉइड करो यूज करना, बिकॉज ये सारे ऑप्शंस रीअरेंजिंग के ऑप्शंस हैं। एक भी ऑप्शन इधर उधर हो गया तो कहीं ना कहीं आपको जो चांस था आपको मैक्सिमम कॉलेज मिलने का वो थोड़ा सा डाउन चला जाएगा, तो मैं अवॉइड करता हूं इन सब ऑप्शंस को यूज करना, ठीक है, और आप भी अवॉइड करो, बिकॉज जब आप एक बार इस सॉर्टेड वे में परफेक्ट चॉइस फिलिंग कर लोगे फिर आपको लगता है कि जरूरत है कहीं से रीअरेंज करने का, कहीं सवाल उठता है तब आप इस ऑप्शन को यूज करना। फिलहाल के लिए आप 1-2 घंटा दो ना यार चॉइस फिलिंग में, हम आपके लिए इतना एफर्ट करके बना रहे हैं, आप 1-2 घंटा तो दे ही सकते हो चॉइस फिलिंग में, लेट करो 20-25 सेकंड भी लगता है, 400 चॉइसेस के आसपास है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2-2.5 घंटा तक आपका चॉइस फिल रेडी हो जाएगा। तो यही सबसे बेस्ट वे होता है चॉइस फिल करने का जिसमें गलती एकदम मिनिमाइज हो जाती है। अब यहां पे देखो कि आपको दिख रहा होगा NIT त्रिचुपल्ली, तो मैं यहां पे गया, सबसे गया और त्रिचुपल्ली मैंने सर्च कर लिया, ठीक है, सॉरी त्रिचुपल्ली मैंने सर्च कर लिया। अब त्रिचुपल्ली का मेरे को यहां पे दिख रहा है कि CSE ब्रांच भरना है, ठीक है, तो मैं गया और मैंने देखा कि CSE कंप्यूटर साइंस मैंने यहां पे ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं गया फिर दूसरे ऑप्शन पे है NIT वारंगल, तो NIT वारंगल है तो मैंने वारंगल को सर्च किया और वारंगल के कंप्यूटर साइंस को ऐड कर लिया। इसी तरीके से आप ऐड करते जाओगे, इसी तरीके से आप, आपके पास स्क्रीन तो बड़ा रहेगा, अभी मेरे को छोटा दिख रहा था इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन सामने में हाथ में जब आपकी चॉइस फिल रहेगा तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत तेजी के साथ आप कर सकते हो, और तेज के साथ नहीं भी किए हो थोड़ा स्लो ही करोगे 2-2.5 घंटा में वैसे भी आपका रेडी हो जाएगा और पूरा परफेक्ट चॉइस फिल बन जाएगा। फिर आप अगर यूज करना चाहते हो तो इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हो, इंटरचेंज करने का ऑप्शन, लेकिन इससे क्या होगा कि आपने इंटरचेंज कर लिया, 1-2 ऑप्शन भी इधर उधर हुए तो फिर आपके ऑप्शंस थोड़े गड़बड़ होने शुरू हो जाएंगे। तो पहले ही आपने प्रो और कॉन्स को तैयार कर लो, जितनी भी चॉइस फिल है तैयार कर लो, फिर आप चॉइस फिल चॉइस फिलिंग करने जाओ और इन ऑप्शंस को प्लीज अवॉइड करो जब तक आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लेट करो कि मेरे को NIT सूरतकल भरना है, तो मैंने सूरतकल सर्च किया, यहाँ पे सूरतकल आया, फटाक से सूरतकल आया और मैंने देखा कि मेरे को कंप्यूटर साइंस पढ़ना है तो कंप्यूटर साइंस मैंने ये कर दिया, फिर NIT अलग। तो ऐसे ऐसे करके चलोगे कितना टाइम लगेगा यार, एक टाइम पे आप जब 10-15 चॉइस भर दोगे तो एकदम हैबिट हो जाएगा, आप एकदम क्विक वे में भरते चले जाओगे चॉइसेस को और आपको कोई भी रीअरेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बीच बीच में आप सेव करते रहना, बस अपने चॉइसेस को बीच बीच में सेव करते रहना। कभी कभी क्या होता है, सर्वर क्या होता है फेल करने के कारण वो चॉइसेस सेव नहीं होते, जैसे 5-6 चॉइसेस भरे सेव कर लिया, 5-6 चॉइसेस भरे सेव कर लिया, यही सबसे परफेक्ट वे है चॉइस फिल करने का जिससे मिस्टेक होने का चांस निग्लिजिबल हो जाता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, जाओ ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे आपको पीडीएफ आधे से 1 घंटे के अंदर अपलोड कर देंगे हम, वहां पे जैसे ही अपलोड होगा आप अपने चॉइस फिल को रेडी कर लेना, रेडी करने के बाद आराम से बैठ के आराम से टाइम निकाल के 1.5-2 घंटा घर वालों को बोल देना कि 2 घंटा तक डिस्टर्ब नहीं करने के लिए, और 2 घंटा तक मजे से चॉइस फिल करना और एक एक चीजों को देख के चॉइस फिल करना। उससे पहले आपको जो वर्क करना है अपने चॉइस फिल को रेडी करना है सबसे पहले, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत सारे वीडियोज आएंगे थ्रू आउट द काउंसलिंग भी आएंगे, तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखना, बेस्ट ऑफ लक।